और मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक जो आपने लाइफ में किया है जी, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में व्यूअर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आनंद जी आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझ जैसे एक सामान्य से इंसान को मौका दिया बोलने का। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आज भी अपने आप को उस मोड़ पर पाता हूँ जहाँ पर कई रास्ते हैं, कई मोड़ दिखते हैं, अलग अलग मंजिलें हैं, लेकिन मैं आज भी उन रास्तों को तलाशता हूँ कि इस पे कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पर मैं अच्छे से बढ़ सकूँ और कहीं ना कहीं से अपने आप को सुरक्षित पा सकूँ। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह की जो अलग अलग स्थितियाँ पैदा हुई देश में, उसमें हर कोई कन्फ्यूज है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे व्यूअर्स को कि मतलब आपने कहाँ से शुरुआत की, अभी आप कहाँ पहुँचे हैं और आपको आगे जाके क्या करने का है। मतलब आप थोड़ा अपने बारे में विस्तार से बताएं कि आपने मतलब। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आपको, मुंबई आप कैसे आए जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि मैं पटना का रहने वाला हूँ, बिहार की राजधानी पटना। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ मैं नॉर्मल इंसान की तरह पढ़ाई लिखाई करके थिएटर से जुड़ गया। थिएटर बहुत अलग अलग लोगों के साथ करने का मौका मिला और उस बीच मैंने कुछ स्वतंत्र लेखन का भी काम कर दिया था, तो काम चलता रहता था। लेकिन 1989 यानी 89 से मैं मुंबई में हूँ और अचानक ये मेरे सामने परिदृश्य उत्पन्न हो गया था कि मुझे कल के कल जाना है। बहुत जो तैयारी के साथ जो होती है और जो एक सोच होती है कि हम किस तरह से अपने आप को डेवलप करेंगे, वैसा मौका नहीं मिला। और अचानक हमने देखा कि जब समंदर की बात है, छलांग लगाने की बात है, तो जो होगा देखा जाएगा। और मैं बिल्कुल उसमें कूद पड़ा और आज मुंबई में पत्रकारिता कर रहा हूँ और In24 न्यूज़ का मैं एडिटर इन चीफ हूँ। इसके साथ साथ मैं बहुत से सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ा हूँ, चाहे वो छठ पूजा का हो या फिर सरस्वती पूजा का आयोजन हो, रावण दहन का आयोजन हो, ऐसे कई संगठन हैं जिनके पास मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ समय देने की। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप न्यूज़ E24 से जुड़े हुए हैं, तो ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। और आप पत्रकारिता के बारे में बताया, अगर किसी को जानना हुआ कि पत्रकारिता में आना तो क्या क्या करना चाहिए। पत्रकारिता में आना आज कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि आज के जो लड़के लड़कियां हैं बहुत कम समय में लोकप्रिय होना चाहते हैं। और पत्रकारिता की सबसे पहली शर्त है कि आपको अपने आसपास के माहौल से परिचित होना चाहिए, अपने देश के बारे में जानना चाहिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ सीखने की तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जानकारी को विस्तार देना होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि आप किसी न किसी गुरु को ज़रूर पकड़िए, पहले किसी सीनियर से सीखने की कोशिश कीजिए कि मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। उसके लिए जो सिचुएशन होता है कि आपने जो देखा उसको किस तरह से आपने लिखा, तो लिखने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके ऊपर आक्षेप करे, कोई आपका विरोध करे कि ऐसा नहीं ऐसा था। तो बिल्कुल जो आप देखने की कोशिश करते हैं, जो आपको समझ में आता है, उन्हीं बातों को आप अपनी स्टोरी के जरिए, अपने लेखन के जरिए अगर दर्शकों तक या फिर पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो एक नया रास्ता बनता है और लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे भी आपको पत्रकारिता करने का शौक है? जी, अभी मैं पत्रकारिता करने के साथ साथ कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ, और बहुत इच्छा है कि मैं फिल्मों में भी निर्देशन करूँ। और बहुत सारी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, लेकिन अभी तक कुछ जो लोग समझने वाले होते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी स्क्रिप्ट को अपने लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आधी अधूरी फिल्में बनाई। और मेरा जो एक मेरी जो मेहनत होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं से मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता हूँ कई बार, कि मैंने तो सब कुछ अपने लेवल पर सब कुछ करने की कोशिश की, बावजूद जो रिजल्ट नहीं आता है। तो उसके पीछे भी एक तर्क है कि जब तक ऊपर वाला, जब तक आपका समय उस तरह से आपके साथ नहीं होगा, तब तक आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। तो बस एक रूपरेखा बनाइए ज़िंदगी को लेकर और अपने करियर को लेकर, और आपके जो शौक़ होते हैं, कई बार हम अपने शौक को दरकिनार कर देते हैं, मजबूरी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब मैं उस स्थिति में खुद को पाने लगा हूँ कि मैं पत्रकारिता के साथ साथ फिल्म लेखन, फिल्म डायरेक्शन, एक्टिंग या इससे जुड़े हुए जो भी विधा है, मैं बहुत सारे गाने भी लिख के रखा हूँ, बहुत सारे एल्बम भी हमारे रिलीज़ हुए हैं, बहुत एक फिल्म भी मेरी रिलीज़ हुई है, एक और पिक्चर रिलीज़ हुई है, दो फिल्में मेरी रिलीज़ हुई हैं, लेकिन जो मुझे संतुष्टि होनी चाहिए, रुचि
उसमें मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अभी दूर हूँ उससे, और लगातार बहुत आगे बढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे घर में जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा साहित्यिक था। लेखन का जो एक रिश्ता रहा है वो बचपन से ही मैंने देखा कि हमारे सारे भाई बहन सब लिखने में माहिर हैं, और एक जो माहौल था उसने कहीं ना कहीं से मुझे प्रभावित किया कि आज मैं इस क्षेत्र में अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके बारे में जान के लोगों को बहुत अच्छा लगा है, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं दुआ करूँगा कि दुनिया का हर शख्स खुश रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सोच को एक नया रास्ता दे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।